कामठी के डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी मस्जिद मदरसे में एक 10 वर्षीय विद्यार्थी कुरान पढ़ने जाता था, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले मास्टर ने ही मासूम बच्चे के साथ किया अनैसर्गिक कृत्य। आरोपी मास्टर जुनेद हफीज को कामठी पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की जांच जारी है। कहते हैं जीवन में अच्छा पढ़ाने वाला गुरु हो, मास्टर हो, तो उस पढ़ाने वाले विद्यार्थी का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन जब मास्टर ही अपने विद्यार्थी के साथ अनैसर्गिक कृत्य करता है, उसकी अस्मत को लूटता है, तो उस विद्यार्थी का पूरा जीवन नरकीय अंधकारमय हो जाता है। ऐसी ही एक घटना कामठी में हुई, जहां 10 वर्षीय एक विद्यार्थी कुरान पढ़ने मास्टर के पास जाता था, लेकिन हैवानियत और हवसी मास्टर ने ही उस मासूम बच्चे के साथ अनैसर्गिक कृत्य कर दिया। दरअसल इस घटना के बाद मास्टर और विद्यार्थी के रिश्ते को तार तार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़का कुरान पढ़ने के लिए कामठे स्थित डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी मस्जिद मदरसा में पिछले 2 महीनों से कुरान पढ़ने जाता था। कुरान पढ़ाने मास्टर का नाम जुनैद हफीज बताया जा रहा है। कुरान पढ़ाने के बाद आरोपी मास्टर जुनैद हफीज ने उस मासूम लड़के को रोक कर रखा और बाकी सभी विद्यार्थी को अपने अपने घर भेज दिया। तब मास्टर ने अपने हैवानियत का गंदा खेल खेल कर उस लड़के के साथ जबरन अनैसर्गिक कृत्य किया। लड़के की तबीयत खराब होने से लड़के के परिवार वालों ने इलाज के लिए लड़के को कामठी के लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती किया। जांच में लड़के के साथ अनैसर्गिक कृत्य किए जाने की पुष्टि डॉक्टरों ने की, जिसके बाद मासूम बच्चे ने अपनी आपबीती अपने माता पिता को बताई। लड़के के पिता ने इस घटना की शिकायत तुरंत नई कामठी के पुलिस थाने में दर्ज कराई। घटना को गंभीरता से लेते हुए कामठी के पुलिस ने आरोपी मास्टर को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस घटना के बारे में नई कामठी पुलिस थाने के PI कमलाकर गड्डी में इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। सदर प्रकरण मध्ये लाइफलाइन हॉस्पिटल कामठी या ठिकाणावरून MNC प्राप्त झाली, ज्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाविरुद्ध सेक्सुअल असॉल्ट झालेला आहे अशी माहिती प्राप्त झालेली होती। त्या अनुषंगाने यातील जो पीडित अल्पवयीन मुलगा आहे याला विचारपूस करण्यात आली आणि त्यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। बालकाच्या लैंगिक अत्याचारापासून प्रतिबंधात्मक कायदा कलम 4 आणि 6 अन्वये कामठी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामधील आरोपी यांचा तत्काळ शोध घेऊन त्यांना गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी आरोपीला माननीय न्यायालयासमोर पेश करण्यात येऊन पुढील तपास सुरू आहे। इस घटना से कामठी में काफी खलबली मची हुई है, तो वहीं इस घटना से विद्यार्थियों के अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर चिंता जता रही हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज नागपुर।